फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है और तीनों बाइक अपनी रेडी है। अकी भाई कैसे हो? यस ब्रो। और ये अपने अविनाश भाई, भाई आप दिख नहीं रहे हो, चलेगा? गजब बेइज्जती है। तो तीन बाइक अपनी रेडी है, जिक्सर SF 155, अपनी NS 200 और Duke 390। सीसी वाइज खड़ी है तीनों। भाई केदारनाथ के लिए आज की ट्रिप रेडी हो चुकी है और हम निकलने वाले हैं। तो यहाँ हम ऑलरेडी मंदिर के सामने ही खड़े हैं, महादेव जी का मंदिर है और यहाँ हम निकले गए। तो ये हमारा फर्स्ट फ्यूलिंग है, 289, 8.63 लीटर गया है अपने, क्योंकि ऑलरेडी मेरी टंकी में थोड़ा बहुत फ्यूल था तो इतना गया है। तो ये फर्स्ट फ्यूलअप है, उसके बाद देखते हैं अपनी गाड़ी कितनी चलती है। तो फ्यूलअप के बाद एयर चेक करवा लूँगा और यहाँ से अकी भाई ने सब कम्प्लीट हो गया ना आपका, तो चलो हम निकलते हैं। पता नहीं अविनाश भाई के बाइक में क्या दिक्कत आ चुकी है, पर धक्का मार के भी स्टार्ट कर लिया पर स्टार्ट नहीं हो पा रही। कंपनी से सर्विस मैन को बुलाया हमने, देखते हैं आगे क्या होता है। इस वक्त हमने हाजोल क्रॉस कर लिया है और अपनी 3 से 4 आवर लेट है अपने, क्योंकि अविनाश भाई की बाइक ख़राब हो चुकी थी और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, इसकी वजह से हम शूट नहीं कर पाए। कुछ GoPro और कैमरा सब अंदर रखना पड़ा, बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। फ्रेंड्स, इस वक्त हम गोधरा से बाईपास ले रहे हैं क्योंकि हमें सिटी में ज़्यादा जाना नहीं है और अपना मेन टारगेट अभी उदयपुर, जो रात को 11:30-12 बजे तक हम उदयपुर पहुंच जाएंगे। अभी बज चुके हैं 5:30 और देख सकते हो हम तीन बाइक हैं, 1, 2 और आगे 3। तो मेनली ये तीन बाइक अभी है, जो और कोई जॉइंट भी नहीं होने वाला है। तो अब हम आराम से 80-90 के बीच में चला रहे हैं क्योंकि शाम होने को आई है, फिर थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो थोड़ा स्पीड डाउन भी करना पड़ सकता है, पर अभी तो कोई लिए आराम से क्रूज़ कर रहे हैं। तो नाश्ता हमने किया था घर से निकलने के टाइम पे, तो हो सके तो हम 8 से 9 के बीच में साइज से नाश्ता करने के लिए रुक सकते हैं। और यहाँ से साइज से हमें लेना है लेफ्ट, तो ओकी भाई उसी के लिए पूछ रहे हैं। एक मिनट स्टॉप करते हैं बाइक। हम राजस्थान बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं और बहुत कुछ बाकी है अभी, तो आज उदयपुर में ही स्टे करने का प्लानिंग है। अपनी बाइक में फ्यूल थोड़ा कम हो चुका है तो जहाँ भी हमें फ्यूल स्टेशन दिखेगा वहीं पे हम रुक जाएंगे। फ्रेंड्स, हम राजस्थान में एंटर कर चुके हैं और थोड़ा फ्यूलिंग के लिए रुके थे। अपनी टंकी हो चुकी थी खाली, मतलब ब्रिजर में आ चुकी है, पूरी खाली नहीं हो चुकी, पर सेफ्टी के पर्पज से हम पहले फ्यूलिंग करवा रहे हैं। तो ये रही जिक्सर, ये रही अपनी 390। थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, थोड़ी बातें करें, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद वापस से निकलेंगे। देखिए अभी ये हाईवे है, अभी और हमें 100 किलोमीटर जाना है और फर्स्ट डे हम ले रहे हैं आज का उदयपुर में। तो उदयपुर एग्जैक्टली 100 किलोमीटर बाकी है, ऑलमोस्ट आप देख ही सकते हो ये मैप में 100 किलोमीटर दिखा रहा है बाकी। तो 2 घंटे का रूट है, 9:30 हो चुके हैं, तो शायद से हम 11:30-12 बजे तक पहुँच जाएंगे और उसके बाद वहाँ का स्टे का कुछ सोचेंगे, फूलेंगे और खाना खा के सो जाएंगे। तो अभी अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं हम। तो अभी बाइक में से सारा सामान निकल रहे हैं और वो सौदा अधूरा तो मैंने भी निकाल दिया, ये अक्षय भाई की बाइक है, ये वहाँ से इन्हें तो पूरा निकाल दिया है। और ये होटल में हम लोग रुके हुए हैं, चलते हैं होटल में। लगे सारा रूम में रख के हम निकल पड़े हैं यहाँ पे सिटी ऑफ लेक घूमने के लिए। ये देखिए काफ़ी कूल सा नज़ारा है यहाँ का। एक्चुअली हम निकले थे फूड की तलाश में क्योंकि सारा बंद हो चुका है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे एक हमें मस्त वाला पार्किंग दिखा था, सोचा क्यों ना इसका वीडियो ले लिया जाए। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। द नेक्स्ट डे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, और आज राइड का 2nd डे है, 2 तारीख है आज और 2nd डे है। और ये सब हमारे फ्रेंड्स बैग पैकिंग कर रहे हैं। अक्की भाई रेडी हो? ब्रो देखिए द बॉयज, इतना सारा सामान, ये रहा अविनाश भाई अकेले आए हैं पर 4 बैग लेके आए हैं। ये अकी भाई है, ध्रुव भाई अभी उठे हैं, नहाए नहीं है आज, और ये हमारा सामान सब पड़ा हुआ है। तो बैग पैकिंग सब हो गया है, अभी यहाँ से थोड़ा नाश्ता ढूंढेंगे और उसके बाद हम आज का टारगेट है दिल्ली। तो देखते हैं दिल्ली हम कितने बजे पहुँचते हैं, अभी तो 9:00 है और नाश्ता होगा, दोपहर में लंच होगा और वगैरह करके शायद से हम 9-10 बजे पहुंच जाएंगे दिल्ली। तो मेनली यह दिल्ली का टारगेट है और देखते हैं उदयपुर कैसा है, इसके रास्ते कैसे हैं। फ्रेंड्स, इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं और अब इस वक्त हम कर रहे हैं एक चेकिंग,
तो कोई नट बोल्ट ढीला नहीं है, इंजन ऑयल कंप्लीट है, वो सब चेक करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा बहुत हम पहले चेन स्प्रे कर देंगे, क्योंकि एवरी 500 किलोमीटर पे हमें चेन लूप करना होता है, तो वो हम कर देंगे। क्योंकि बारिश का मौसम है, डस्टिंग भी ज़्यादा है, तो 500 किलोमीटर तो इनफ है, वरना जल्दी भी करना पड़ सकता है। क्योंकि फर्स्ट डे अपना राइड हुआ है 450 किलोमीटर का, तो उस हिसाब से अभी हमें चेन लूप करना है। तो आपकी भाई, आपकी बाइक में बाकी है ना चेन लूप? तो मेरी बाइक में हो चुका है, अक्की भाई की बाइक में बाकी है। मैंने बाइक चेक की, भाई बाइक चेक के लिए सब स्क्रू नट बोल्ट वगैरह ओके डन। फ्रेंड्स हम रेडी हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप उदयपुर का नज़ारा। और ये हम नमन होटल में रुके हुए थे, तो रेंट के हिसाब से हम अच्छा था, 800 रुपये जितना रेंट था, और अपने बजट में भी फिट हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। अभी हमने मैप डाला है मेरठ का, तो मेरठ हमें जाना है, स्टार्ट कर दे, 767 किलोमीटर है, 6767 13 घंटे का रूट दिखा रहा है, 13-14 घंटे का। तो आज का मेन टारगेट अपना वही है। इस वक्त हम रुके हैं एक उदयपुर का बड़ा सा सर्कल है, यहाँ से जयपुर वाला रास्ता जाता है, और यहाँ सुपर ब्रेकफास्ट में हम आलू पराठा खाने के लिए रुके हैं। ये अपनी बाइक खड़ी है, और यहीं से थोड़ा बहुत नाश्ता करने के बाद 100-200 किलोमीटर काटेंगे, फिर लंच के लिए रुकेंगे। और वो थोड़ा सामान में दिक्कत हो रही थी, तो जिविंग फिर से कर रहा हूँ, तब तक मैं बाइक की टंकी में तो फ्यूल था, पर इन लोगों की टंकी में खाली हो गया है, तो ये हमारा फ्यूल थोड़ा आया है। ये फ्यूल का नाम क्या है? आलू पराठा, जो अपने सुबह के नाश्ते के लिए सही है, आराम से पेट भर जाएगा। भाई कितनी रेंज देगा ये? 200-300 किलोमीटर खींच लेगा ये? यहाँ से जयपुर 400 किलोमीटर। अच्छा, ये आलू पराठा 400 किलोमीटर खींचेगा, देखते हैं। या फिर 200 किलोमीटर? प्लानिंग तो वही है, प्लानिंग तो अपना वही है कि जयपुर जाके खाना खाएंगे। ये भाई ने वो क्या वो मूवी में दिखा दिया ना कि कश्मीर में ये करेंगे, मुंबई में वो करेंगे, ऐसे भाई ने प्लानिंग बनाया है, ब्लू भाई ने, कि जयपुर में जाके खाना मिलेगा, देखते हैं। तो भाई ये हमारे नेविगेटर है, तो इनके खिलाफ कोई जा नहीं सकता। अभी के लिए नाश्ता खत्म करते हैं, और उसके बाद फिर से बाइक पे बैठते हैं। फ्रेंड्स ये वाला रास्ता जाता है सीधा जयपुर के लिए, और नज़ारा देख ही सकते हो, क्या कूल नज़ारा है, और ऊपर से हाईवे बना हुआ है, तो बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। देखो रास्ते में इधर कर्व्स कम है, पर जो व्यू का एंजॉयमेंट है ना भाई साहब, क्या कमाल का है। सामने देख ही सकते हो पूरा पहाड़, मतलब ये क्या पहाड़ में जाता है रास्ता क्या? ऐसा है, मतलब टन है, मेरे को मालूम है, पर लगता है ऐसा है। भाई साहब जगह कौन सी हो मालूम नहीं, पर वहाँ शिव जी की मूर्ति बहुत ही मस्त दिख रही है, पहाड़ के डोजी पर इतनी मस्त दिख रही है ना, इतनी बड़ी प्रतिमा, शायद से रूट में आता होगा तो वहाँ जाके आएंगे, देखते हैं कि अपने हाईवे से मतलब टच में है या अंदर है। जगह का नाम मेरे को मालूम नहीं, बस रास्ते में दी गई तो मैंने बस वही देखा। इस वक्त रुके थे हम फ्यूलिंग के लिए, और आगे की राइड जो है जयपुर तक वो ध्रुपाई करने वाला है, और मैं एज अ पिलन पीछे बैठ जाऊँगा। अक्की भाई कुछ बाइक में क्या कर रहे हो? अक्की भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया है, ये खुल गया है, तो अच्छा हाँ एक्स्ट्रा लेके ही आए थे, दो एक्स्ट्रा बोर्ड रखे हैं मैंने मेरे पास। फ्रेंड्स देखो जब भी राइड करो ऐसा एक्स्ट्रा कुछ सामान लेके आना चाहिए, क्या बोलते हो? सही है ब्रो, कभी भी दिक्कत आ सकती है लॉन्ग राइड में, क्योंकि ये सामान मिलेगा नहीं, ये सामान सिर्फ कंपनी में मिलता है, बहुत बहुत रेयरली मिलता है, और कंपनी में भी काफ़ी टाइम अवेलेबल नहीं होता, तो ये लेके आना ज़रूरी है। यहाँ पे बारिश की वजह से एक तालाब का पानी पूरा रास्ते पे आ चुका है, देखिए और ट्रक जो जा रहा है उसका सब पानी की वजह से आ रहा है, हाईवे पे पूरा पानी ही पानी, और उस साइड तो पूरा भरा हुआ ही है, पानी से तो निकल गया। अपन अच्छा है कि वो उस वाली साइड हम नहीं हैं, पर रिटर्न में तो 10-12 दिन बाद आने वाला है, तो क्या टेंशन लेने का, देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स हम पहुँच चुके हैं जयपुर में, और अपनी टंकी खाली हो चुकी है, तो हम यहाँ फिलिंग के लिए रुकेंगे, और शाम भी हो चुके हैं, तो अभी डिनर का सोच रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा डिनर कर लें, उसके बाद कहीं चलते हैं, आगे का प्लान करते हैं खाते खाते। तो फिलिंग 80 का रेंज बचा है, पर जैसे ही मतलब लो फ्यूल का इंडिकेटर आता है मैं फिलिंग करवा ही लेता हूँ, जब ये 2 पॉइंट बचते तब लो फ्यूल का इंडिकेटर आ जाता है, तो सबसे पहले वही करते हैं, फिलिंग का काम ख़त्म करते हैं, थोड़े फ्रेश हो जाते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, और फिर निकलते हैं। 965 8.91 लीटर गया अपना, ऑलमोस्ट 9 लीटर पेट्रोल गया है इस बार, थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर लिया हमने। ओके रेगुलर हमारे इतना ही ज़्यादा 7.5-9 ये सब।
फ्रेंड्स, लास्ट जो हमने फ्यूलिंग किया था उसके बाद हम प्रॉपर कुछ शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि जब जयपुर से हम निकले दिल्ली के लिए तो जयपुर से दिल्ली वाला जो हाईवे था ना भाई, इतना ख़राब था। पहले तो हमें खाना ढूंढना था, तो खाने में ही पहले प्रॉब्लम कि हमें डंका फूड ही नहीं मिल पाया। तो भूख है, हम तो खाया ही नहीं था, मैंने और अक्के भाई ने, इन लोगों ने भी होटल पहुँच कर कुछ खाया था, और इतने गड्ढे थे ना कि पेट में दर्द होने लगा था, और अपनी तीनों बाइक की बैंड बज गई। समझो कि मेरी दोनों आगे पीछे की रिम बैंड हो गई, अविनाश भाई के की पीछे की साइड से आगे की रिम बैंड हो गई, और अक्की भाई का दूसरे दिन हमें पता चला कि उनकी पीछे की टायर की बेयरिंग खलास हो गई। तो तीनों बाइक की बैंड बच गई, आप समझ सकते हो कि कितना ख़राब रोड था। तो रात को हमने सोचा कि आधे रास्ते हम दिल्ली नहीं पहुँचना, आधे रास्ते ही हमने होटल रख के हमने स्टे कर लिया, और होटल में जाके सीधे हम सो ही गए थे। खाया भी नहीं था, कुछ भी नहीं किया था। अब हम बात करते हैं थोड़ी कि पहले दो दिन का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक्सपीरियंस की बात करें तो उतना कुछ खास था नहीं, क्योंकि हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत कुछ उल्टा हुआ। देखिए, पहले दिन हम निकले तो बारिश बहुत हो गई, ऊपर से अविनाश भाई की बाइक में कुछ इलेक्ट्रॉनिक इश्यू या कुछ इश्यू आया था जो हमें सुजुकी की तरफ से सर्विस मैन को बोला कि हमें सॉल्व करवाना पड़ा था, और बारिश भी बहुत थी तो उसकी वजह से हम कुछ शूट भी नहीं कर पाए। सेकंड इश्यू आ गया था, हम उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गए थे, और ये दिल्ली वाला अपना इश्यू सेकंड, तो इसकी वजह से पूरा टाइमिंग हमारा गड़बड़ हो चुका था। हमें जो टारगेट पे दिल्ली पहुंचना था वो सब हम नहीं कर पाए। सेकंड बात करते हैं हमारा दूसरा एक्सपीरियंस फ्यूलिंग और रेंज के बारे में। तो हमारा टोटल ये लास्ट अभी मैंने जो जयपुर का फ्यूलिंग करवाया है उसके साथ हमारे चार फ्यूलिंग हुई है। एक हमने घर से निकला था, और दूसरा हमने करवाया था राजस्थान में एंटर होके, तीसरा हमने करवाया था उदयपुर से निकल के, और चौथा हमने करवाया जयपुर। एवरेज हमारा 900-950 का एक फ्यूलिंग होता है। एग्जैक्टली फ्यूल मैं आपको बता दे दूँगा राइडिंग में। दूसरी बात करें रेंज, तो ओवरऑल 800 किलोमीटर जितना घूमी है हमारे बड़ौदा से हम जयपुर तक पहुँचे, और दिल्ली तक पूरे नहीं पहुँचे हम, आधे रास्ते में हमने स्टे ले लिया था। फ्रेंड, रास्ते की बात करें तो हमारा जयपुर तक का सफ़र एकदम कंप्लीट रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं आई, और ज़्यादा थकन भी नहीं हुई, इससे भी जयपुर दिल्ली में हमारी बैंड बच गई। तो ऐसे मज़ेदार वीडियो देखते रहिए, आगे की सीरीज़ कंटिन्यू रहने वाली है, तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।